हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने पापड़ का सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही लाजवाब है और झटपट बन भी जाता है। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसे बहुत ही जल्दी और यूनिक तरीके से बना सकते हैं। तो हम चलते हैं बनाने की ओर। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये दो पापड़ ली हूँ और साथ में एक प्याज और एक टमाटर, तेज पत्ता, और मसाले में मैंने लहसुन अदरक, जीरा, धनिया और हरी मिर्च ली हूँ। इन सभी को मैं पेस्ट बना ली हूँ अच्छी तरह से। तो मैं पापड़ को सबसे पहले मैं ताई में सेक लेती हूँ। दोनों तरफ मैं अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। ये सिक चुका है, मैं अब इसे निकाल लेती हूँ ताई से। मैं चूल्हे में मैं कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ और इसमें सरसों तेल को डाल ली हूँ और तेल को मैं गर्म होने देती हूँ। गर्म हो चुका है, मैं इसमें जीरा डाल लेती हूँ और साथ में ये बारीक कटा प्याज, इसे मैं हल्का ब्राउन होने देती हूँ। प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, मैं इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेती हूँ और ये अदरक लहसुन का ये पाउडर है। ये सब्जी मसाला मैं इसमें अब ये पिसा मसालों को मैं डाल करके इन्हें भी मैं भून देती हूँ। ये अदरक लहसुन का मिर्च का पेस्ट है जिसे मैं दरदरा पीस ली हूँ मिक्सर में। इन मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ जिससे मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा और स्वाद भी बढ़िया आएगा। इन मसालों में मैं मसाले का पानी को मैं डाल लेती हूँ और मसालों को अच्छे से पकने देती हूँ। मसाला तेल छोड़ने लगा है, ये मसाला भी भून चुका है। तो मैं इसमें एक बड़ा टमाटर बारीक कटा मैं डाल लेती हूँ। और टमाटर को गलने के लिए मैं इसमें मैं नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार और इसे मैं मिक्स कर लूंगी जिससे टमाटर जल्दी गल जाएगा। मसाले भुन चुके हैं, मैं इसमें अब जरूरत के अनुसार पानी डाल लेती हूँ। मैं इसमें एक उबाल आने देती हूँ। मैं इसमें अब इसमें कसूरी मेथी को डाल लेती हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला को मैं डाल लेती हूँ। इसमें उबाल आ चुका है, अब मैं इस तरह पापड़ के टुकड़ों को डाल लेती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये गल जाएंगे और टूटने लगेंगे। ये हमारा पापड़ का सब्जी बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये बनकर रेडी हो चुका है। मैंने एक बोल में इसे सर्व कर लिया है और इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाना भी बहुत आसान है। जब घर में कोई सब्जी ना हो तो इसे आप झटपट बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है।
हमारा ये पापड़ का रेसिपी बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।